प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रीज द लॉर्ड, आप सबों को प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह। मेरे प्रियो, आइए हम आज की सुबह में प्रभु का पाठ जो है और नया बल को, ताकत को, शक्ति को, सामर्थ को, बल को प्राप्त करें। आइए हम आज की सुबह में प्रभु के पावन पवित्र चरणों के निकट घुटने पे आइए हम प्रभु के हजूरी में चले, प्रभु की उपस्थिति में चले और उसके अनुग्रह को, दया को, कृपा को, प्रभुता को, करुणा को, उसके असीम सुख शांति को, चैन को, आनंद को, नई हर्ष उमंग को अपने जीवन में प्राप्त करें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु महान है, उसकी अनुग्रह से, उसकी दया से, उसकी कृपा से, उसकी प्रभुता से, करुणा से ये दिन हमें मिला है। हाँ, सच में उसी की इच्छा से, मर्जी से, चाहते से हम सब आज के दिन को देख पाए हैं। हमारा परिवार आज के दिन को देख पाया है। सच में हमारा प्रभु महान है। हमारा प्रभु हम सबों से अगम्य प्रेम करता है, बहुत प्यार करता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर हम हर परिस्थिति में उससे लिपटे रहेंगे, उसके साथ अपने संगति को बनाए रखेंगे, उसके प्रेम में बने रहेंगे, उसका भय खाएंगे, उसके मार्गों पर चलते रहेंगे, उसके वचनों पर चलते रहेंगे, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताते रहेंगे, तो मेरे प्रियो, प्रभु का अनुग्रह सदा हमारे ऊपर बना रहेगा और हम, हमारा घराना उद्धार पाएगा, अनंत जीवन को पाएगा, जीवन के मुकुट को पाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, प्रार्थना में जाने से पहले प्रभु के वचनों को पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, जो कोई प्रभु में है, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 5:17 में लिखा है कि वो नई सृष्टि है, उसके लिए पुरानी बातें बीत गए, सब कुछ नया हो गया है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन फिर भी जो कोई प्रभु में होकर पुरानी बातों को नहीं छोड़ता है, पकड़े रहता है, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब आप नीति वचन की पुस्तक 29 के उसका 1 के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि वो लोग अचानक नाश हो जाएंगे, उनका कोई भी उपाय काम नहीं आएगा। वो लोग जो भी उपाय करेंगे अपने आप को बचाने के लिए, उनका कोई भी उपाय काम नहीं आएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु के वचन को पढ़ते हो, सुनते हो, तो उसके ऊपर मनन करो और अपने जीवन को प्रभु के वचन के अनुसार बदलो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। अपने आप को प्रभु के भाता हुआ बनाओ, प्रभु के योग बनाओ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। पुराने मनुष्यत्व को उतार फेंको और नए मनुष्यत्व को धारण कर लो, ताकि प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे और आप बहुतायत का जीवन पाए और अंत में प्रभु आपको अनंत जीवन दे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु खुद कहता है, जब आप पे अय्यूब की पुस्तक 22 के उसका 15, 23, 25 और 28 पद के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें प्रभु खुद कहता है, ध्यान से सुनिए क्या कहता है। इसमें प्रभु कहता है, क्या तू उस पुराने रास्तों को पकड़े रहेगा जिस पर वे अनंत करने वाले चलते हैं? यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा। तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। जो बात तू ठाने वह तुझे से बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। आमीन, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, क्या कहता है प्रभु? प्रभु कहते हैं, पुराने रास्ता को, पुराने चाल चलन को, बुद्धि व्यवहार को, सोच को छोड़ दो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अनर्थ बातों को सोचना, गलत बातों को सोचना, पाप की बातों को, बुराई की बातों को, व्यभिचार की बातों को सोचना छोड़ दो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपने डेरे से कुटिल कामों को दूर करो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु की ओर फिरो तो प्रभु खुद
आपके लिए अनमोल वस्तु और चमकीली चांदी होगा। आप जो कुछ भी ठानेंगे, जो कुछ भी प्लान योजना बनाएंगे, युक्तियां निकालेंगे, सोचेंगे, वो सब सफल होगा। हालेलुया, आपके मार्गों में अंधेरा नहीं रहेगा, कोई पत्थर, कोई रुकावट, बाधा नहीं आएगा। हालेलुया, आप आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया मेरे प्रियो, प्रभु आपको बहुत आशीष देगा जब आप अपने आप को प्रभु के भाता हुआ बनाएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया मेरे प्रियो, हम जितना भी कोशिश करें लेकिन जब तक प्रभु का अनुग्रह न हो हमारा जीवन नहीं बदल सकता, हमारा जीवन में कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आइए हम प्रभु से कहें कि हे प्रभु, हम मिट्टी हैं और आप कुम्हार हैं, एक बार फिर से हमें अपने हाथों में उठाइए और अपनी इच्छा में बनाइए, ढालिए, ताकि हमारे जीवन में सिर्फ आपकी योजना, आपकी इच्छा, आपकी मकसद पूरी हो। कहे प्रभु से कि हाँ प्रभु, हम घटे और आप हम में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए। कहे प्रभु से कि हाँ प्रभु, जैसे आपका राज स्वर्ग में है, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी और हमारे जीवन में भी पूरी होने पर। आइए हम प्रभु से प्रेयर करें, प्रभु से विनती करें, दुआ करें, याचना करें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम प्रभु से प्रेयर करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु आप महान परमेश्वर हैं, आप दयालु हैं, कृपयालु हैं, अति करुणामय परमेश्वर हैं। प्रभु अनुग्रह कर दीजिए, प्रभु दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, प्रभुता कर दीजिए, करुणा कर दीजिए। प्रभु हम हाँ प्रभु जी, हम नाश की ओर नहीं बल्कि जीवन की ओर जाना चाहते हैं। हाँ प्रभु, हम बहुत आयत का जीवन पाना चाहते हैं। हाँ प्रभु, हम अनंत जीवन को पाना चाहते हैं। और लिखा है कि अनंत जीवन आपके पास है प्रभु, आपके छोड़ और कोई नहीं दे सकता। तो होने दे प्रभु हमारे जीवन के ऊपर, आप ऐसा अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए कि हमारा जीवन हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका वादा हुआ होने पाए। प्रभु हमारा जीवन बदल जाए, पूरी तरह चेंज हो जाए। स्वर्गीय पिता प्रभु अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु, हम सबों को आप अपने योग बनाइए। हाँ प्रभु, हम सबों को एक बार फिर से अपने सीने से लगाइए और अपना असीम प्यार दुलार हमें दीजिए, अपने पहले प्रेम से हमें भर दीजिए, पवित्र उपस्थिति खुदा हमारे जीवन में रहने पाए। प्रभु अनुग्रह कर, हाँ खुदा तेरी पवित्र उपस्थिति हमारे जीवन में रहने पाए। हाँ प्रभु, हर पल, हर घड़ी, हर समय, हर वक्त आप हमारे निकट रहिए। प्रभु हम मिट्टी हैं और आप कुम्हार हैं, प्रभु जी एक बार फिर से हमें उठाइए और अपने इच्छा में ढाल दीजिए प्रभु, ताकि हमारे जीवन को लेकर आपके पास जो योजना है, आपका जो मकसद है, आपकी जो इच्छा है वो पूरी होने पाए। हाँ प्रभु, हम घटे और आप दिन प्रतिदिन हम में बढ़ते जाए। सहायता मदद कीजिए लॉर्ड जीसस, अपने आप को और इस प्रार्थना को जितने भी जन सुन रहे हैं उन सबों को आपके अधीन करते हैं, शून्य के समान बनाते हैं प्रभु, सलेंडर करते हैं प्रभु। प्रभु हम सब जैसे भी हैं आपके हैं स्वर्गीय पिता, आपके बेटा है, बेटी है, पुत्र है, पुत्री है, जन है, लोगे निज प्रासा है प्रभु। हमें भूलिए मत, हमें त्यागिए मत, हमें छोड़िए मत, अपनी करुणा को हमारे ऊपर से दूर मत कीजिए प्रभु जी। हमारी प्रार्थना को अनसुनी मत कीजिए प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए। जब भी हम आपको पुकारें, आप हमारे पुकारों को सुनिए और सुनकर देर मत कीजिए, विलंब मत कीजिए, बल्कि फुर्ती करके हाँ आमीन में उतर दीजिए। खुदा धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। प्रभु अनुग्रह कर, जो लोग तेरे वचनों पर चलना चाहते हैं, तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना चाहते हैं प्रभु, उनको वचनों पर चलने की और वचन के अनुसार जीवन बिताने की सामर्थ्य दे, बल दे, ताकत दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, आत्मा दे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, अनुग्रह कर। हाँ प्रभु, हमारा उठना, बैठना, चलना, लेटना, बोलना, सोचना आपको भाता रहे खुदा। प्रभु अनुग्रह कीजिए हमारे मुख से प्रभु किसी के प्रति गलत वर्ड निकलने ना पाए प्रभु, अनुग्रह कीजिए प्रभु। हमारे अंदर कोई भी गंदी बात, अनर्थ की बात, व्यर्थ की बात प्रभु से, पाप की बात, व्यभिचार की बात, गंदी बात उत्पन्न होने ना पाए प्रभु, अनुग्रह कर, प्रभु दया कर, प्रभु कृपा कर प्रभु। हमारे बॉडी के एक एक अंगों के ऊपर, सभी भागों के ऊपर खुदा
आप अधिकार रखिए ताकि प्रभु हमारे बॉडी के किसी भी अंग के द्वारा आपके आज्ञा का उल्लंघन होने ना पाए। प्रभु अनुग्रह कर, कोई पाप होने ना पाए, कोई बुराई गुनाह होने ना पाए, गलती होने ना पाए प्रभु जी, अपराध होने ना पाए। सहायता मदद कर खुद, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते, आपकी तारीफ करते प्रभु। आप महान परमेश्वर है, अपनी अनुग्रह अपनी महिमा हमें भी दीजिए खुदा, धन्यवाद करते प्रभु। अनुग्रह कर आज की वचन और प्रार्थना को, जितने जन जितने लोग सुन रहे हैं स्वर्गीय पिता, उनका जीवन पूरी तरह बदल जाए, चेंज हो जाए। जो गाली गलौज करने वाले, मारपीट करने वाले, दारू बीड़ी सिगरेट तंबाकू अनेक प्रकार के नाशा करने वाले हैं प्रभु जी, उन लोग प्रभु चेंज हो जाए। सहायता मदद कर प्रभु, जो बात बात पर प्रभु जी गुस्सा होते प्रभु जी, क्रोध करते प्रभु, उनका जीवन बदल जाए। जो कठोर मन वाले हैं प्रभु, अनुग्रह कर प्रभु जी, उनके मन को कोमल कर दे लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते प्रभु। अनुग्रह कर प्रभु इस जून महीने के दूसरा दिन के लिए प्रभु, आपका धन्यवाद करते प्रभु। आपके अनुग्रह से हमें ये दिन मिला है, तो होने दे प्रभु जी ये दिन हम सबों के लिए प्रभु जी, हमारे परिवारों के लिए भी आशीषमय दिन हो। ऐसा अनुग्रह कीजिए आज के पूरे दिन प्रभु, हमारे संग रहिए, साथ रहिए, हम सबों का देखभाल कीजिए, रक्षा रखवाली कीजिए प्रभु। आप महान परमेश्वर है, आप दयालु परमेश्वर है, कृपयालु अति तुलनामय परमेश्वर है प्रभु। अनुग्रह दया और कृपा कर दीजिए, प्रभुता कर दीजिए, करुणा कर दीजिए, तरस खाइए प्रभु जी, हमारे काम काज में आशीष दीजिए प्रभु जी, हमारी मेहनत परिश्रम को सफल कीजिए, हम सब प्रभु जी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने पर सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। आपकी स्तुति हो जाए, आपकी महिमा हो जाए, आपकी तारीफ हो जाए, आपकी बड़ाई हो जाए, आपका आदर और सम्मान हो जाए लॉर्ड जीसस प्रभु जी। प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु दया कर प्रभु, हमारे शब्दों में प्रभु जी आप सामर्थ्य दीजिए लॉर्ड जीसस प्रभु जी। इस प्रार्थना को जितने जन प्रभु सुन रहे हैं स्वर्ग के पिता, लोग प्रभु अपने जीवन को प्रभु जी बदलते चेंज होते हुए देखने पाए प्रभु, अपनी परिस्थिति को हालातों को बदलते हुए चेंज होते हुए देखने पाए। धन्यवाद खुदा, आपकी स्तुति प्रभु। सबों के परिवार में, घर में प्रेम भाव दीजिए, एकता दीजिए, मेल मिलाप की आत्मा दीजिए, सबों के काम काज में आशीष दीजिए लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज ही दिन भर की रोटी दीजिए, सूखे के नदी में से जल पिलाइए स्वर्ग के पिता, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं स्वर्ग के पिता प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आमीन आमीन आमीन।